आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान अली जामियावाला। मैं अभिनय और एक्टिंग के बारे में लोगों को बताता हूँ, फिल्म सिनेमा और एक्टिंग के बारे में लोगों को बताता हूँ। हर रोज एक अलग वीडियो बनाता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया, हमारी बातचीत हुई कि अभिनय यानी के एक्टिंग में अलग अलग विधाएं कैसे हैं, एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई, रंगमंच थिएटर और सिनेमा यानी कि फिल्म, इन दोनों में क्या फर्क है वो हम आज आप लोगों को बताएंगे। थिएटर की उत्पत्ति, थिएटर के उद्भव, उसका ओरिजिन उस दौर में हुआ जब पूरी दुनिया में अलग अलग विधाओं में काम कर रहे थे। हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि रामलीला और रासलीला के जरिए रंगमंच थिएटर जो है भारत में आया। अलग अलग लोग अलग अलग सब्जेक्ट पे संस्कृत नाटक में और बहुत सारे नाटकों में काम करते थे। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे लोग जो है रंगमंच को जोड़ते गए, समाज से जोड़ते गए। समाज में जो अच्छे काम होते थे उसके लिए रंगमंच का इस्तेमाल होने लगा। बहुत सारे लोगों ने रंगमंच के उस दौर के संस्कृत के बहुत सारे नाटक किए, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, कर्म, बहुत सारे नाटक किए। वक्त गुजरता गया और धीरे 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 रंगमंच जो है ना वो एक अलग रूप लेता गया। फिर भारत में पारसी थिएटर आया, लोगों ने बहुत सुना। धीरे धीरे ये बात उन दिनों की है जब रंगमंच और सिनेमा के बीच में एक द्वंद चल रहा था। ये बात लगभग 1931 की है और 1931 में एक फिल्म डिजाइन की गई, आलम आरा, जो पहली बोलती फिल्म भारत में बनी, जिसका निर्देशन निर्देशक थे आरदिस ईरानी और इसमें एक्टिंग पृथ्वीराज कपूर और बहुत सारे लोगों ने किया था। उसी दौरान ये बात होने लगी कि रंगमंच जो है, और दोनों में द्वंद होने लगा कि रंगमंच के एक्टर और फिल्म के एक्टर दोनों में क्या फर्क है, दोनों में अलग होता है। इस बात पे वाद विवाद होता रहा, चलता रहा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। उस दौर के महान जो रंगकर्मी थे वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, होना भी चाहिए था, क्योंकि ये विधा उन्होंने भारत में लाया और भारत को एक समाज को जोड़ने का काम किया। सिनेमा जो है वो एक अलग विधा है, थिएटर जो है एक अलग विधा है। सीधे तौर पे हम बोले तो रंगमंच जो है वो हमें एक स्पॉन्टेनियस पब्लिक से जोड़ती है, यानी कि हम और हमारी और पब्लिक की वार्तालाप, हमारी और पब्लिक की बातचीत सामने सामने होती है। उसी वक्त फैसला होता है कि हमने अच्छी एक्टिंग की, अच्छी निर्देशन किया कि नहीं। लेकिन सिनेमा में हमें मौका मिलता है, रीटेक होता है, अगर एक अच्छा नहीं तो दूसरे कर लो, तीसरे कर लो, चौथे कर लो, इस तरह से हम चीजों को बदल सकते हैं। लेकिन रंगमंच में हम नहीं बदल सकते, थिएटर में नहीं बदल सकते। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और रंगमंच एक्टिंग और सिनेमा की एक्टिंग के बारे में हम आपको कल बताएंगे कि अभिनेता जो है किस तरह से रंगमंच और सिनेमा में काम करता है और वो दोनों अलग विधा कैसे है, क्या होता है उसमें जब एक थिएटर के आदमी सिनेमा में आता है और वो अपनी एक्टिंग नहीं कर पाता है कैमरा के सामने, तो क्या होता है, कैसे एक थिएटर के एक्टर जो है वो कैमरा के सामने एक्टिंग करे, ये एक अलग विधा है। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप मेरे वीडियो को देखें, समझें और लाइक करें। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मीडिया क्राफ्ट रिसर्च सेंटर जो है भारतीय सिनेमा को लेकर के और भारतीय लोगों की सोच को आगे बढ़ाए और हमारी समाज में जो भी अच्छे काम है उसको सिनेमा के जरिए समाज में लाए। दैट इज माय थॉट इज ओनली हाउ टू चेंज अवर सोसाइटी थ्रू परफॉर्मिंग आर्ट, थ्रू फिल्म थिएटर सीरियल एंड रेडियो। आप लोग ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट तो जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में एक अलग अंदाज में, और कल हम स्पेशली एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, सिनेमा यानी कि फिल्म की एक्टिंग और थिएटर की एक्टिंग में क्या फर्क है। बाय, टेक केयर।